आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। आइए रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की ओर। यूपी विधान परिषद चुनाव 2022 के लिए आज वोटिंग हुई। 27 स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्रों के लिए शाम 4 बजे तक मतदान हुए। बता दें कि ज्यादातर सीटों पर भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला है। हालांकि 12 अप्रैल को परिणाम घोषित होंगे, जिसके बाद स्थिति साफ हो पाएगी कि दोनों पार्टियों में कौन जीत रहा है। आगरा फिरोजाबाद MLC सीट पर 98.06% मतदान हुआ। पीलीभीत शाहजहांपुर में वोटरों में काफी ज्यादा उत्साह दिखा दिया और 97.38% मतदान हुआ। यूपी MLC चुनाव के लिए हुई वोटिंग। अमरोहा में 99% मतदान, मुरादाबाद में 98% मतदान, औरैया में 2% 2-2, कौशाम्बी में 92.81% मतदान, जालौन में 98.94% मतदान, सहारनपुर में 96.87% मतदान, संभल में 96.67% मतदान, महाराजगंज में 97.53% मतदान, बिजनौर में 94% मतदान, चंदौली में सबसे ज्यादा 99.01% वोटिंग, मुजफ्फरनगर में 95.67% मतदान, कानपुर फतेहपुर में 97.38% मतदान, झांसी में 98.90% मतदान, मऊ में 98.95% मतदान, जौनपुर में 98.28% मतदान, मेरठ में 98.93% मतदान। UPMLC चुनाव के लिए हुई वोटिंग। अमरोहा में 99% मतदान, मुरादाबाद में 98% मतदान, औरैया में 92% 2-2% मतदान, कौशाम्बी में 92.81% मतदान, जालौन में 98% मतदान, सहारनपुर में 96.87% मतदान। खबर श्रावस्ती से है, जो MLC चुनाव जिले के 5 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है। इस दौरान DM नेहा प्रकाश और SP अरविंद कुमार मौर्य ने भी मतदान केंद्रों का भ्रमण करके स्थिति का जायजा लिया। और वहीं शाम को सारी शील्ड मत पेटिकाएं ठाकुर हुकुम सिंह महाविद्यालय बहराइच में जमा हो गई। बता दें 12 अप्रैल को चुनावी नतीजे आएंगे। जिला पंचायत कार्यालय में बनाए गए मतदान केंद्र पर 1 बजे तक 80% वोटिंग हुई। इस दौरान मतदान केंद्र पर पहुंचकर जनपद के विधायक, गाजियाबाद सांसद, राज्यसभा सांसद और मेयर सहित कई नेता ने वोटिंग की। वहीं 11 मतदान केंद्र प्रशासन की तरफ से चुनाव के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। वहीं समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि BJP चुनाव को निष्पक्ष नहीं होने दे रही है और सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। विपक्ष का काम होता है आरोप लगाना, विपक्ष का काम होता है खासकर मीडिया को दूसरी दिशा में भेज देना। अब आपके ऊपर है कि आप उनके कहने से दिशाहीन होते हो या सही दिशा में चलते हो। देखिए, रिजल्ट आने दीजिए, अभी से क्या बोलना। हम 200% आश्वस्त हैं और आपको मैं बता दूं कि 36 में 9 हम निर्विरोध चुने जा चुके हैं और 27 बाकी 27 की 27 सीटें हम जीते हैं। मैं कह रहा हूँ 200% जीते, टक्कर ही नहीं, टक्कर को ही नहीं, टक्कर में कोई नहीं, कोई नहीं है भाई। रामगोपाल जी ये कह रहे हैं कि अगर निष्पक्ष चुनाव होगा तो हम जीतेंगे। अब ये तो विपक्ष है, कुछ ना कुछ कहता रहता है। इन्हें तो कोई ना के पास मतलब कि
इस तरह की पैदा करनी है। निष्पक्ष निष्पक्ष क्या होता है, निष्पक्ष हो रहा क्या है? अच्छा, ये तो हमने देखा है कि जब आम चुनाव हुए हैं उसमें भी ये सवाल उठा रहे हैं। अच्छा, शिवपाल यादव जी वोट डालकर निकले लेकिन उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले, साफ साफ ये कह दिया पता नहीं वो शिवपाल यादव जी बताएंगे, वो शिवपाल यादव बताएंगे। प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी निश्चित तौर पर जीतने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को निष्पक्ष नहीं होने दे रही है, सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है। लोकतंत्र की पवित्रता को नष्ट करना, निर्भीकता के साथ मतदान न होने देना, मतदाताओं को आतंकित करना, प्रलोभन देना, डराना धमकाना, लोकतंत्र के लिए ये शुभ लक्षण नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ इन दिनों के गोरखपुर के दौरे पर है। अपने 3 दिनों के दौरे पर सीएम योगी जनता दर्शन कार्यक्रम में शामिल होंगे जो गोरखपीठ में सुबह 8 बजे से शुरू हो सकता है। उसके बाद सीएम आरोग्य मेले का शुभारंभ करेंगे, साथ ही 11 बजे सीएम नया गोरखनाथ मंदिर के नया भोजनालय में कन्या पूजन भी करेंगे। भारत सरकार के कृषि विकास योजनाओं से प्रेरित किसानों ने लखनऊ के कैसरबाग कृषि केंद्र विकास केंद्र संस्थान के बैनर तले भारत सरकार की प्रशंसा की। वहीं केंद्रीय कृषि विकास योजनाओं का लाभ उठा रहे प्रदेश के अलग अलग जगहों से आए किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कृषि विकास के कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि भाजपा सरकार में किसानों को सरकार की योजनाओं से सीधा जोड़ने का कार्य किया गया। हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट दफ्तर में सीएम को ज्ञापन सौंपा। दरअसल हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के कारण ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने को लेकर यह ज्ञापन सौंपा गया। सर, इनका ये कहना है कि जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं उसमें जो छात्र हैं उनको जो ये लाउड स्पीकर बजाए जा रहे हैं कई तरह से ध्वनि प्रदूषण पड़ा, उनको बहुत ही परेशानियां हो रही हैं, तो संबंध में ज्ञापन देने आए थे, इनसे विचार किया जाएगा। आज मैंने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है और मैंने मांग करी है जो मस्जिदों के ऊपर जो लाउड स्पीकर लगे हुए हैं और जो अपने इस्लाम धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताते हैं और जो अपना प्रचार करते हैं, मैं उसके विरोध में ज्ञापन देने आया हूँ। क्योंकि अभी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं और छात्रों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है क्योंकि वो 10-10 लाउड स्पीकर लगा के अपने धर्म का प्रचार करते हैं। और मैं उनसे कहना चाहता हूँ, आप कृष्ण जी के भजन सुनिए, हनुमान चालीसा सुनिए, उनसे मन को शांति मिलती है, ना कि चिल्लाने से चीखने से शांति मिलती है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, चेतावनी के रूप में उनसे कहना चाहता हूँ कि आप तत्काल में मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतार दें, अन्यथा में योगी जी बाबा जी के बुलडोजर पर रखकर डीजे बजाए जाएंगे। खबर संबल से है। जौसमोली क्षेत्र के निवासी काशीरामी रिक्शा चालक को दबंगों ने कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाकर पिला दिया, जिसके बाद ये रिक्शा चालक बेहोश हो गया और मौके से दबंग रिक्शा चोरी करके भाग निकले। होश आने पर रिक्शा चालक ने थाने में तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की और चोरों को गिरफ्तार किया। थाना असमोली की पुलिस के द्वारा आज 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम मतीन और अमजद हैं। ये दोनों हजरत नगर गढ़ी के रहने वाले हैं। इनके पास से 3 अदद ई रिक्शा बरामद किए गए हैं और 2 चाकू बरामद किए गए हैं। ये दोनों गिरोह बनाकर जो ई रिक्शा चालक हैं उनको कोल्ड ड्रिंक अथवा खाने की किसी चीज़ में जहरीला पदार्थ खिलाने के बाद उनको बेहोशी की हालत में छोड़कर उनका ई रिक्शा छीनने का काम करते थे। इनके द्वारा इस तरह की घटनाएं अन्य जिलों में भी कारित किए जाने की संभावना है, वहाँ उसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। इनके गिरोह से संबंधित अन्य व्यक्तियों के बारे में भी जांच पड़ताल की जा रही है। इन दोनों को आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है।
अलीगढ़ में आग का तांडव दिखाई दे रहा है। बता दें कि खैर कोतवाली क्षेत्र में हाई टेंशन लाइन की चिंगारी से गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई। भीषण आग लगने की वजह से 1000 बीघा गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। लगभग 400 किसानों को भारी नुकसान हुआ। गुस्साए ग्रामीणों ने रोड पर जाम कर जोरदार हंगामा किया। वहीं दूसरी तरफ अत्या पार्क नाम की मीट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग की वजह से यहाँ पर भी अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं लोधा थाने इलाके में मथुरा बाईपास के पास फैक्ट्री में आग लग गई है। लगातार गर्मी की वजह से आग की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। किसानों की फसल भी जलकर राख हो गई, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। बादामी ग्राम पंचायत मवई बुजुर्ग गांव में अचानक एक घर में आग लग गई। आग की वजह से घर में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग में मवेशियों की मौत हो गई। वहीं सूचना के बाद आनंद फानम में पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची। भयंकर आग में झुलसे युवक और महिलाओं को इलाज के लिए पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया। श्रीमान जी कोई नहीं थे, मौके में बाहर थे, या पता नहीं आग कैसे लगी। श्रीमान जी लगभग 15-20 लाख के तो अटकर कहाई है। भैंस है, दुकान भी रखे रहे हैं, सामान है। भैंस जल गई, दुकान पूरी जल गई, पूरा छप्पर छत्तर जल गया, लकड़ी कंडा सब जल गया, गल्ला जल गया, लाही जल गई, चना रखा था, गेहूँ भी कुछ खाने पीने का इस तरह। और लड़का जो है तो काफी मजे का सुलग गया है पैर वायर में। कौन सा गाँव है ये? मवई है। मवई गाँव जी सर। समय कितने बजे आग लगी है? लगभग 2 बजे। दो बजे लग जी सर। ये मवाई बुजुर्ग है और यहाँ बल्लू पुत्र विश्वनाथ के जो है मकान में आज दोपहर में लगभग 3 बजे आग लग गई है अज्ञात कारणों से जो है, जिसमें उसकी एक भैंस झुलस के मर गई है। और भैंस को बचाने में जो है बल्लू और उसकी पत्नी जो है आंशिक रूप से झुलस गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। खबर यूपी के एटा जिले से है। एक सिपाही ने संदिग्ध परिस्थितियों में खुद को गोली मार ली। गोली लगते ही परिजनों ने उसे जिला चिकित्सालय ले गए, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर कर दिया। एसएसपी ने बताया कि घटना की बारीकी से छानबीन की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएगा उसके अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। अंकित नाम के एक कांस्टेबल हैं जो आज ही अवकाश से आए। अभी घटना के प्रत्येक पहलू की हम गहराई से छानबीन कर रहे हैं। घर में किसी सदस्य से मोबाइल से बात करना बताया जा रहा है और इन्होंने अपने आप को सरकारी राइफल से गोली मारी है। खबर गाजियाबाद के मोदी नगर से है, जहां सीकरी महामाया मेले में फ्रूटी पीने से 9 लोग बेहोश हो गए, जिसकी सूचना मिलते ही प्रशासन ने एम्बुलेंस को बुलाया और सभी श्रद्धालुओं को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया, जहां पर सभी श्रद्धालुओं की हालत सामान्य बताई जा रही है। चिकित्सकों के अनुसार सभी लोगों को फूड पॉइजनिंग हुआ है। जो घर से खाना लेके गए थे वो खाना खाने लगे। एक चाय वाला चिप्स वाले घूम रहे थे वहाँ पे, तो चिप्स वाला यूँ कहने लगा हाँ जी चिप्स। तो 2-3 छोटे छोटे बच्चे थे, वो बच्चे यूँ कहने लगे हमें पैप्सी दिला दो। तो उनको हमने पैप्सी दिलाई। मैं गाड़ी के आगे की तरफ गया तो उसने इतनी देर में सबको ही पैप्सी दे दी। पैप्सी बेक रहा था वो या कोई और आया था? कोई और आया था, वो फ्रोटी 10 रुपये वाली। अच्छा, मुफ्त? हाँ, मुफ्त में दे दी वो। चला आपने वो पी ली? हमने उसे ढूंढा कि हाँ भाई पैसे से ले ले, अपने पैसे से ले ले, पर हमें वो अंधेरे में कहीं दिखाई नहीं दिया, वो चला गया वहाँ। आपने वो पी ली? हाँ। पीने के बाद फिर आपकी हालत ख़राब हो गई? पीने के बाद हमें 10 से 15 मिनट के बाद नींद आनी शुरू हो गई। आपके साथ जो सामान था वो भी कुछ गुम हुआ? हाँ, पापा का पास है। कितने पैसे लगवा थे उसमें? पैसों का तो कुछ नहीं सकता।
खबर संबल से है, जो गंगा स्नान कर रहे श्रद्धालु में से 9 लोग गंगा में डूब गए। बता दे गोताखोरों की मदद से 6 लोगों को बाहर निकाला गया। इस दौरान वहां अफरा तफरी मच गई और 3 बच्ची लापता हो गई। पीएसी जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद एक बच्ची की डेड बॉडी निकाली गई। बता दे 2 बच्चियों की तलाश अभी भी जारी है। कल कुछ लोग जो है गंगा में स्नान कर रहे थे, उस दौरान ये हादसा हुआ। हादसे में 3 जो बच्चियां थी वो कल तक नहीं मिली थी। आज भी जो हमारी पीएससी की टीम और एसडीआरएफ की टीम है इसमें लगी हुई है, साथ में जो हमारे गांव के कुछ गोताखोर है वो भी देख रहे हैं। अभी एक का तो तलाश हो गया, एक मिल गई है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो बाकी दोनों हैं उसके डेड बॉडी मिल जाए, ताकि हम लोग निश्चय कर सके कि हादसे में क्या हुआ था। तो अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक हमें प्रॉपर सभी लोग मिल नहीं जाते। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के थाना क्षेत्र के सुभाष पार्क कॉलोनी में अचानक उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब वहां स्थित 4 मंजिला इमारत गिरने से एक 24 वर्षीय महिला संदिग्ध परिस्थितियों में नीचे आ गिरी, जिसके बाद मौके पर महिला की मौत हो गई। आनन फानन में इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतिका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जाँच में जुट गई। सर मामला ये कि ये मेरी भतीजी बहू है जो कि ये इस फ्लोर पर कपड़े उतारने गई थी, ठीक है, तो कोई रहता नहीं यहाँ पे, कपड़े उतारने गई थी तो किस कारण बता नहीं, जो वहाँ से इसका पैर फिसला, क्या हुआ, नीचे गिरी तो डेथ हो गया इसका। तो सर हमने कोशिश किया और तब तक ख़त्म हो चुका। कितने समय से आप यहाँ रह रहे हैं? सर हम रहता हूँ, सर 15-20 साल से रह रहे हैं हम लोग यहाँ पे, बट जो इसकी शादी को भी 2 साल हुए हैं अभी। बहराइच जनपद में सुबह 8 बजे से स्थानीय प्राधिकरण का मतदान शुरू हुआ। बता दें एमएलसी चुनाव के लिए 20 पोलिंग बूथ पर मतदान किए गए। इस दौरान तहसील सदर में बनाए गए मतदान केंद्र का जिलाधिकारी और एसपी केशव कुमार चौधरी ने निरीक्षण किया और जिलाधिकारी ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के बीच निष्पक्ष मतदान चल रहा है। विधायक अनुपा जायसवाल ने पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया और मीडिया से रूबरू होते हुए बीजेपी के कार्यों की सराहना की। वही एमएलसी चुनाव अब संपन्न हो चुका है, जिसका जो रिजल्ट है वो 12 तारीख को आएगा। शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध था चुनाव कराने के लिए। सभी चुनाव जगहों के जो चुनाव है वो संपन्न हो चुके हैं। अब सभी की जो नजरें हैं वो रिजल्ट पर है कि किस तरह का रिजल्ट आएगा। हालांकि इस बीच कई जगहों से थोड़ी हिंसक झड़प की भी खबरें सामने आई हैं, लेकिन इन सभी के बीच आज सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक जो विधान परिषद चुनाव है, एमएलसी चुनाव, वो संपन्न हो चुका है। अगर बात तो जनपद बहराइच की जाए तो एसपी ने बूथों का खुद निरीक्षण किया। 20 पोलिंग बूथ पर यहां पर मतदान किए गए। जिन सभी पोलिंग बूथों का एसपी ने खुद निरीक्षण किया, वो हर जगह पर खुद से गए, उन्होंने वहां का जायजा लिया और जाना कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है या नहीं। हालांकि अब चुनाव संपन्न हो चुका है, कई बड़े दिग्गज भी वोट डालने पहुंचे हुए थे, जिन्होंने लोगों से अपील भी की कि वोट डाले। सभी मतदान केंद्रों पर पहुंचे हुए थे।
खबर देवरिया से है, जहां बाजार में खरीदारी करने आई महिला की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। बता दें, महिला ने ऑटो से उतरकर जैसे ही रेलवे ट्रैक पार करने की कोशिश किया और सामने आ रही मालगाड़ी की चपेट में आ गई। पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।